नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों सिंघम अगेन वर्सेस भूलभुलैया। अब ये क्लेश बहुत तगड़ा रूप ले रहा है, मतलब बहुत तगड़ा रूप इसलिए ले रहा है कि दोस्तों एक तो दोनों ही मतलब फ्रेंचाइज मूवीज है, दोनों के अगले पार्ट आ रहे हैं और दोनों ही बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज है। सबसे बड़ी बात यह है, हालांकि सिंघम की जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर भूलभुलैया नहीं हुई थी, लेकिन हॉरर कॉमेडी का आजकल दौर है। आजकल स्त्री टू जिसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, जैसी फिल्म मतलब 600 करोड़ के करीब जा रही है नेट कलेक्शन में, जवान फटान गदर यानी मेरे सिवनों का रिकॉर्ड तोड़ देती है, तो सोचने वाली बात है दोस्तों। मुंजिया हरनी में कितना जबरदस्त कलेक्शन किया है, तो आज ऐसी फिल्में चल रही है, इसलिए थोड़ा सा मतलब एक सिंघम मेकर के सिंघम अगेंस्ट के जो मेकर्स है उनके दिमाग में थोड़ा टेंशन है इस बात का। वही दोस्तों भूलभुलैया 3 इसलिए थोड़े डर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि यार सिंघम जैसी फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी स्टार कास्ट इसमें है, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, क्या क्या मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट, तो फिर बाद में उनको भी डर तो स्वाभाविक है। और यही कारण है कि क्लेश टालने की कोशिशें लगातार की गई, पहले भी की गई और अब भी की गई है, लेकिन दोस्तों ये क्लेश है कि टलने का नाम नहीं ले रहा है सफल। अभी क्या है कि बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि भूषण कुमार दोनों ही फिल्मों से जुड़े हुए हैं तो उनका भी एक कोशिश की उन्होंने, इसी तरह से एक क्लेश टल जाए, लेकिन दोनों ही मेकर्स पीछे नहीं हटना चाहते। जहां तक बात करें तो भूलभुलैया 3 की मेकर्स ने पहले रिलीज डेट अनाउंस कर दी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सिंघम तो 15 अगस्त को आ रही थी, लेकिन सिंघम ने जब रिलीज डेट कंफर्म कर दी कि हम दिवाली पे आएंगे और रामायण से प्रेरित मूवी है तो उनका आना बनता भी है, तो भूलभुलैया 3 वाले कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो भी करेगी नहीं, हम तो उसी दिन आएंगे, अब क्लेश करने के लिए हम तैयार है, तो ठीक है हो जाने दो फिर क्लेश। फिर दिक्कत कहाँ पे है, जो नुकसान होगा दोनों को होगा, ज्यादा नुकसान मुझे लगता है भूलभुलैया 3 को होगा और सिंघम को भी कुछ, अगर 50 करोड़ प्लस करने वाली थी तो वहाँ 40-45 करोड़ की फिल्म अटक सकती है, तो नुकसान तो दोनों को है। जहाँ तक स्क्रीन की बात करें, डेफिनेटली भूलभुलैया 3 से सिंघम आगे रहेगी, ज्यादा स्क्रीन मिलेंगे, 3,500 से 4,000 के करीब स्क्रीन अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार भूलभुलैया 3 को मिलने वाले, और 2,500 से 2,500 के करीब स्क्रीन भूलभुलैया 3 को मिलेंगे और सॉरी सिंघम अगेन को मिलेंगे करीब 3,500 से 4,000 तक के स्क्रीन। तो ये मेरे पास रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस का मैंने बता दिया कि भूलभुलैया 3 जितना भी कलेक्शन करती है उससे डबल से ज्यादा कलेक्शन सिंघम अगेन करेगी। 15 से 20 करोड़ की रिपोर्टिंग आ रही है अभी भूलभुलैया 3 की, सिंघम डेफिनेटली 40-45 करोड़ क्लेश कर रही है, कलेक्शन करती है तो बड़ा कलेक्शन कहा जाएगा, अच्छा कलेक्शन कहा जाएगा। और बाकी टीजर ट्रेलर के बारे में क्या बताएं दोस्तों आपको। अब तो मुझे लगता है कि ये अक्टूबर में ही रिलीज करेंगे, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट दावा कर रही है कि 15 अक्टूबर के बाद में कुछ पोस्टर, मोशन पोस्टर वगैरह, कुछ गाने वगैरह के बारे में न्यूज आना शुरू हो जाएगी, लेकिन पहला जो ट्रेलर, पहला जो टीजर है वो भूलभुलैया 3 का सकता है जो तैयार है, और ये नेक्स्ट वीक में हम देखने को मिल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।